में डिडवाला में ट्रेन हादसा, दुरंतो एक्सप्रेस के सात डिब्बे पटरी से उतरे, नागपुर से मुंबई जा रही थी ये ट्रेन। सुबह 6:40 पर हादसा हुआ, ट्रेन का इंजन भी पटरी से उतरा, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कल्याण से टीम पहुंची। हादसे की वजह से मुंबई कासरा लोकल ट्रेन रूट पूरी तरह से ठप, करीब 2 लाख लोगों पर इसका असर होगा। सेंट्रल रेलवे का दावा, हादसे में कोई यात्री घायल नहीं, डॉक्टर और सीनियर अफसर घटना स्थल पर मौजूद। यात्रियों को बोगियों से निकालकर बस से आगे भेजा गया, बारिश की वजह से रेस्क्यू में परेशानी आई। एक यात्री स्मिता ने बताया, हादसे के बाद एक डिब्बा पहाड़ पर चढ़ गया, लैंडस्लाइड की वजह से यह हादसा हुआ। 10 दिन में 3 ट्रेन हादसे, 23 अगस्त को यूपी के औरैया में कैफियत एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे थे। भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद खत्म हुआ, सूत्रों के मुताबिक चीन ने सीमा से सैनिक और सड़क बनाने का सामान हटा लिया है। चीन का पीछे हटना भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, विदेश मंत्रालय ने कहा पुराने समझौते का ईमानदारी से पालन होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हमेशा से इस मसले को बातचीत से सुलझाने के पक्ष में था, वहीं चीन लगातार युद्ध के लिए धमका रहा था। डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच 3 महीने से तनाव था, दोनों ही देशों ने अपने सैनिक तैनात कर रखे थे। डोकलाम से सेना हटाने पर चीन का बयान, कहा हमारे सैनिक गश्त जारी रखेंगे। डेरा समर्थकों की हिंसा पर हरियाणा सरकार ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी, सोर्सेज बता रहे हैं रिपोर्ट में किसी भी लापरवाही का जिक्र नहीं है। गुरमीत राम रहीम को सजा के बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है। हरियाणा और पंजाब में आज दोपहर बाद इंटरनेट और मोबाइल सेवा शुरू होगी, सुबह 11:30 तक ये रोक है। सिरसा में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, आज स्कूल कॉलेज भी खुले हैं। डेरा मुख्यालय के आसपास के इलाकों में आज भी विशेष निगरानी, यहां कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है। सजा के ऐलान के बाद राम रहीम को बैरक में शिफ्ट किया गया, वहीं रखा गया है जहां पर वो 25 तारीख से रह रहा है। हरियाणा स्वयंभू संत रामपाल पर चल रहे 2 केस में आज हिसार कोर्ट फैसला सुनाएगी, 3 साल से जेल में बंद है राम। पीएम मोदी आज उदयपुर जाएंगे, करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 100 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री उदयपुर से रिमोट के जरिए हैंगिंग ब्रिज का भी उद्घाटन करने वाले हैं, चंबल नदी पर बना है यह पुल। 9 साल से बन रहे इस पुल की लंबाई 1.4 किलोमीटर है, बनाने में 277 करोड़ रुपए की लागत आई है। हैंगिंग ब्रिज शुरू होने के बाद कोटा को ट्रैफिक जाम से राहत मिल पाएगी, सड़क हादसों में भी कमी आने की उम्मीद है। रोहिंग्या मुसलमानों पर सरकार की आलोचना पर रिजिजू ने कहा कि सरकार मानवाधिकारों का सम्मान करती है लेकिन अवैध घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। किरण रिजिजू ने कहा कि मानवता के नाते भारत ने बहुत से लोगों को शरण दी लेकिन देश में जो कानून है उसका पालन करना होगा। ममता बनर्जी ने आज अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे संगठनों की बैठक बुलाई, आंदोलन से जुड़े सभी नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे, 19 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। पैरा एथलीट देवेंद्र जाजड़िया, हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। टेरर फंडिंग में पकड़े गए कश्मीर के व्यापारी जहूर बटाली की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ी है, एनआईए ने 10 दिन रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। बिहार में बाढ़ से अब तक 514 लोगों की मौत हो चुकी है, 19 जिलों के 1,71,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सीतामढ़ी में बाढ़ की वजह से हजारों परिवार बेघर हुए, लोग खाने पीने की चीजों के लिए परेशान हैं, सरकार से मुआवजे की मांग की है। बाढ़ की वजह से रेल यातायात पर भी असर पड़ा है, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 24 जिलों के 3,000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित, अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा के 3 जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं, कई गांव में पानी भर गया है, हजारों लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। गुजरात में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका है, 3 दिन गुजरात पर भारी पड़ सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण के डीजीएम आशीष कुमार सिंह गिरफ्तार, चेयरमैन के खिलाफ फर्जी शिकायत करने का आरोप है। गुरुग्राम में क्लाइंट के साथ धोखा करने के आरोप में वकील को 3 साल की सजा, 10 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। चर्चित इच्छाधारी भीमानंद महाराज को दिल्ली पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया, सेक्स रैकेट चलाने और धोखाधड़ी का आरोप है। सितंबर से लखनऊ मेट्रो की सेवा शुरू होगी, 5 सितंबर को सीएम योगी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। सुल्तानपुर जिला अस्पताल में बीजेपी विधायक देवमणि दुबे के समर्थकों का हंगामा, एक युवक के इलाज को लेकर दबाव डाल रहे थे।
बरेली की दरगाह के आला हजरत का फरमान मदरसों में तलाक देने का सही तरीका पढ़ाने की वकालत की है। कानपुर के चंपकपुर गांव में शौचालय घोटाला सामने आया। ग्राम प्रधान शिखा सिंह पर पुराने शौचालयों की तारीख बदलकर धोखाधड़ी का आरोप है। यूपी के चित्रकूट में मनरेगा घोटाले की जांच की मांग। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर घोटाले का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के जालौन में छात्र की मौत से नाराज छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। कई लोग घायल हुए। एक युवक को गोली लगी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेशनल खिलाड़ी ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। दबंगों ने पुलिस की मदद से पड़सी मामले में आरोपी बनाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 रेलवे कर्मचारी आपस में भिड़ गए। रिश्वत के पैसों के बंटवारे को लेकर मारपीट की। कोटा में स्वाइन फ्लू और डेंगू के मामले बढ़े। सोमवार को 7 नए मामले सामने आए। राजस्थान के बूंदी में बड़ा हादसा टला। रेलवे ट्रैक से 6 क्लिप गायब। 3 ट्रेन उस पर से गुजर गए। राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। मौके से ड्राइवर फरार। कोई हताहत नहीं। जयपुर में टीचर ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की। छात्र की गर्दन में चोट आई है। पुलिस जांच कर रही है। ग्वालियर में अस्पतालों में 13,000 बायोटॉयलेट लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी इजाजत दी। मध्य प्रदेश के हरदा में मुस्लिम समुदाय ने मंदिर को लाउडस्पीकर दान दिया। कुछ दिन पहले ही लाउडस्पीकर चोरी हुआ था। भोपाल में ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का खुलासा। क्राइम ब्रांच की छापेमारी। 12 लड़के लड़कियां पकड़े गए। इंदौर में दुकान से 4 महिलाओं ने कीमती सामान चुराया। ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। इंदौर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगता था। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 2 पुलिस वालों पर रेप का आरोप है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही दोनों फरार हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में कुएं में गिरकर रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हुई। 5 घंटे की कोशिश के बाद शव को निकाला जा सका। मध्य प्रदेश के खंडवा में 3 नकाबपोश बदमाशों का नवविवाहिता दंपत्ति पर हमला। पति की मौके पर मौत। महिला की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आरएसएस कार्यकर्ताओं की मामूली विवाद पर दिन दहाड़े हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में वक्त पर निमंत्रण नहीं मिलने पर विधायक नाराज। सीएम को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की। मध्य प्रदेश के खरगोन के कृषि अनुसंधान केंद्र में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन। किसानों ने प्रोजेक्टर से आधुनिक खेती के तरीके सीखे। बिहार के आजमपुर में भी संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान मौजूद रहे। पटना नगर निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज। फारबिसगंज में दूषित खाना खाने के बाद 100 लोग बीमार हुए। सभी बच्चे अस्पताल में भर्ती। हालत स्थिर है। छपरा में बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के सुपौल में मरीजों की जान से खिलवाड़। सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारी इलाज करते हैं। बिहार के बगहा में एक बच्चे का शव नहर में तैरता हुआ मिला। बदमाशों ने पीट पीट कर जान ले ली। बिहार के मुंगेर में कलयुगी बेटे ने माँ और बहन को बेरहमी से पीटा। पेंशन नहीं देने पर घर से बाहर निकाल दिया। बिहार के बगहा में नदी से गुजर रहे युवक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। गांव वालों ने युवक को बचा लिया। झारखंड के गढ़वा में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पिस्टल लूट के 2 मोबाइल सहित आधार कार्ड बरामद। बिहार के मधुबन में दिव्यांग महिला से दुष्कर्म। हत्या की कोशिश नाकाम। पड़ोसी की आवाज सुनकर आरोपी भाग गया। मधुबनी में 1 महीने पहले गायब हुई लड़की बरामद हुई। अपहरण की बात से इनकार किया गया। प्रेमी के साथ युवती भागी थी। बिहार के भोजपुर में काला बाजारी पर शिकंजा। छापेमारी में 111 बोरियां चावल जब्त हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जमशेदपुर में 2 बहनों ने मनचले को सरेआम पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झारखंड के गुमला में बाइक और ट्रक की टक्कर हुई। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। झारखंड के गोड्डा में पत्नी से विवाद होने पर पुलिस के जवान ने घर में आग लगा दी। पति पत्नी की मौत हुई। बच्चे की हालत गंभीर है। पटना में दिव्यांग छात्रों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से नाराज हैं। उधमपुर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में लड़कियों की भीड़। करीब 70,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। मुंबई के जोगेश्वरी में अनाज से बनाई गई गणपति बप्पा की मूर्ति 2 महीने में बनकर तैयार हुई। मुंबई के अंधेरी में बाहुबली गणपति बप्पा के दर्शन के लिए भीड़ लगी। महेशमति के सिंहासन पर विराजमान किया गया। तिरुवनंतपुरम में ओणम त्योहार की धूम है। पंडालों को खूबसूरत फूलों से सजाया गया। घर खरीदारों को सरकार का भरोसा। अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करेगी सरकार। बिल्डर्स और घर खरीदारों से बातचीत हो सकती है। जल्द ही समाधान भी निकलेगा। पिछले 1 महीने में पेट्रोल के दामों में 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई। डायनेमिक प्राइसिंग के बाद ये दाम बढ़े। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर जापान का दावा। कहा मंगलवार सुबह उत्तरी जापान के पास समंदर में मिसाइल गिरी।
जापान के मुताबिक उन्होंने मिसाइल को निशाना नहीं बनाया। प्रशांत महासागर में गिरने से पहले ही मिसाइल के 3 टुकड़े हो गए। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से हालात बदतर हैं, घर छोड़ने को मजबूर लोग, आर्मी के साथ आम लोग भी रेस्क्यू में जुटे। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में बाढ़ के कारण फंसे सभी भारतीय छात्र सुरक्षित, भारत के काउंसिल जनरल ने विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी है। बगदाद में कार बम धमाका, 8 लोगों की मौत हुई, 25 घायल हुए। बॉक्सिंग मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया की एक बार में मारपीट हुई, एक व्यक्ति घायल हुआ, 3 लोग हिरासत में लिए गए। एक बार की यह घटना है। केन्या में प्लास्टिक बैग पर बैन लगा, बनाने, बेचने या इस्तेमाल पर 4 साल तक की कैद या $40,000 के जुर्माने की सजा होगी। चीन के बेजिंग सिटी में भूस्खलन में फंसे 4 लोगों को बचाया गया, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 लापता है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग फिर से पिता बने हैं, बेटी का नाम अगस्त रखा, पत्नी और दोनों बेटियों का पिक्चर भी शेयर किया। लंदन में नॉटिंग हिल कार्निवल के आखिरी दिन शानदार परेड हुई, ग्रेनफेल टावर हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई को आईपीएल के टेलीकास्ट अधिकार के लिए नीलामी का आदेश देने से इनकार, अप्रैल 2018 में टूर्नामेंट होना है। आशा भोसले ने सोशल मीडिया पर अपनी और प्रियंका चोपड़ा की एक तस्वीर शेयर की है, लिखा है, वंडरफुल लेडी, आई मीन प्रियंका जी।